सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने ए कैमरा चालू करो, हटाओ। तो फाइनली दोस्तों, यहां पर आप लोगों में से काफी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे रियलमी की नार्जो सीरीज के बारे में, और यहां पर आज मैं आपसे रियलमी नार्जो 10 के बारे में बात करने वाला हूं। इसी के बारे में यहां पर कमेंट्स आ रहे थे जब से मैंने यहां पर रेडमी 9 वाली वीडियो अपलोड की थी कल। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर Redmi का 9 है वो Realme Narzo से कम्पीट करने वाला है। तो आप में से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा है कि Realme का जो Narzo 10 है वो यहाँ पर कब आने वाला है, क्या कुछ फीचर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और हालांकि फीचर्स तो मैंने आपको बताए भी थे, लेकिन जो भी डाउट है मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस स्मार्टफोन ये जो स्मार्टफोन है कब यहाँ पर इंडिया में फाइनली लॉन्च होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर आपसे बताने वाला हूँ। मुझे सारा कुछ यहाँ पर पता रहता है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है? मुझे सब कुछ पता रहता है। जवाब दीजिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? नहीं तो यहां पर दोस्तों, अगर बात करता हूं आपसे Realme Narzo 10 के बारे में, तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 6i का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। हालांकि जल्दी से मैं रिकैप की तरह यहां पर इस स्मार्टफोन के सभी जो फीचर्स हैं उसका एक बार आपको बता देता हूं, फिर बात करेंगे यहां पर इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में या फिर लॉन्च के बारे में। तो यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। बात करता हूं इस स्मार्टफोन के फ्रंट के साइड की, तो यहां पर आपको एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहां पर फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए था। आजकल के काफी सारे स्मार्टफोन्स में यहां पर फुल HD प्लस डिस्प्ले आ रही है। वैसे Realme कुछ कुछ चीजों में यहां पर काफी ज्यादा कंजूसी कर देती है सस्ते स्मार्टफोन को लॉन्च करने के चक्कर में। हालांकि जो स्मार्टफोन है काफी बेस्ट है, लेकिन डिस्प्ले को थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज करना ही चाहिए था। तो फाइनली बात करता हूं यहां पर इसके बाद इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो कैमरा इसका ऑलमोस्ट यहां पर कंफर्म हो चुका है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पर जो कैमरा देखने के लिए मिलेंगे वो चार कैमरे आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर इस स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ यहां पर इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी, USB टाइप सी पोर्ट, 18 वाट का चार्जर भी इस यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहां पर आपको Realme Narzo 10 में देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके साथ अगर बात कर लेता हूं इस स्मार्टफोन के अब इसके साथ अगर बात कर लेता हूं अब इसके साथ बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। अब इसके साथ फाइनली दोस्तों, अगर बात कर लेता हूं इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में, तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो जाता है यहां पर मार्च में ही, 26 मार्च को ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लॉन्च होने वाला था, लेकिन फाइनली यहां पर कोरोना वायरस की वजह से इसका जो लॉन्च है वो यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। अब ये जो स्मार्टफोन है, र्यूमर है कि यहां पर अप्रैल के सेकेंड वीक में, अगर यहां पर जो कोरोना वायरस वाला जो लॉकडाउन है अगर यहां पर खत्म हो जाता है, तो अप्रैल के सेकेंड वीक में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लॉन्च हो सकता है। लेकिन अगर ये जो कोरोना वायरस वाला जो लॉकडाउन है इंडिया का पूरे, अगर वो यहां पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये जो स्मार्टफोन है फिर जब कोरोना वायरस का पूरा चक्कर खत्म होगा तभी ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। अब देखते हैं कोरोना वायरस का जो चक्कर है कब खत्म होता है, वैसे काफी तेजी से जो वायरस है वो यहां पर फैलता जा रहा है। अब देखते हैं फाइनली जो सारी सिचुएशन है वो कब यहां पर नॉर्मल होती है, और इसके साथ साथ यहां पर ये जो स्मार्टफोन है कब यहां पर निकल करके आता है। प्राइस के बारे में बता देता हूं, यहां पर इसकी जो प्राइस है वो कुछ 9999 रुपए यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से इंडिया के लिए। अब देखते हैं फाइनली जो स्मार्टफोन है कब तक और कैसा यहां पर फाइनली निकल करके आता है। कुछ भी और अपडेट आएगी मैं जरूर से सभी कुछ आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दोस्तों फाइनली ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अब इसका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर लीजिएगा।